झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा शनिवार को सरायकेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रायजामा, कुंद्राकुटी, अरहंगा, इचारडी, सुलाईडी, जनालाम, बारीडी आदि गांव के ग्रामीणों के साथ जनता दरबार लगाया और आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान कोविड 19 का पालन करते हुए ग्रामीणों को जमीन पर बनाए गए गोल के घेरों में बैठाया गया। जनता दरबार में ग्रामीणों ने गोमियाडी, कुबासल, इचारडी, सुलाईडी, कुचाई, खरसावा आदि गांव में जाने के लिए सड़कों के खराब हालात और पुल नहीं होने की समस्या के बारे में जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं गांव में नहीं होकर दूर होने, पेयजल एवं कृषि के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने, चेक डैम एवं चापाकल की मांग, मोबाइल नेटवर्क नहीं होने आदि समस्याओं से पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को अवगत कराया। इन समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों से समन्वय कर शीघ्र कराने का उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। वहीं सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत पुलिस महानिदेशक झारखंड नीरज सिन्हा द्वारा आम ग्रामीणों के बीच साड़ी, धोती, कॉपी एवं कलम का वितरण किया गया और विभिन्न फुटबॉल टीमों को पूरे टीम के लिए जर्सी, पैंट, फुटबॉल आदि दिए गए। पुलिस महानिदेशक द्वारा घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित पुलिस कैंप की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा मुरारी लाल मीना, पुलिस महानिरीक्षक अभियान अमोल विष्णुकांत होमकर, पुलिस उप महानिरीक्षक CRPF, पुलिस अधीक्षक सरायकेला मोहम्मद अरसी आदि वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा द्वारा चाईबासा में सभी वरीय पदाधिकारी के अलावा पुलिस महानिरीक्षक कोल्हान राजीव रंजन, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम अनय मित्तल, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम अजय लिंडा एवं केंद्रीय बलों के वरीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।